अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसी रेमेडी उन लोगों के लिए जिनकी शादी बहुत नज़दीक है और कुछ हफ्ते रह गए हैं शादी को, और उस जिनकी शादी बहुत नज़दीक है उनके लिए मैं लेकर आई हूँ पेडिक्योर मैनीक्योर, जो आपके हाथों और पाँव को बहुत ही ज़्यादा वाइट कर देगा, ब्राइट कर देगा। जब आप मेहंदी लगवाने जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके हाथ और पाँव इतने ज़्यादा वाइट हो जाएंगे कि सब आपसे इस बारे में राज पूछेंगे। रेमेडी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे सोडा। सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे सोडा, और इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, गरम, बिल्कुल गरम होना चाहिए। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, दूसरा इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है लेमन का रस। इसके अंदर हम 2 से 3 ड्रॉप जो है वो लेमन ऐड करेंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। 1 पिंच हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी यहाँ पे जो मैंने इस्तेमाल की है वो मैंने घर लेकर इसको खुश्क हल्दी मैंने ले ली थी, और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। कोशिश करें हल्दी जब आप यूज़ करें किसी भी रेमेडी में तो वो आपकी प्योर होनी चाहिए। ये देखिए, पंसार से जो है वो आपने ले लेनी है हल्दी, और उसको घर में आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। इसके रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर बेसन का ऐड करेंगे भरकर। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब मैंने लिया है दूध के ऊपर जो क्रीम आती है वो, और ये भी ऐड करेंगे। ये मॉइस्चराइजर के लिए बहुत ही पावरफुल होती है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अगर ये नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, आप इसके अंदर कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून हम इसके अंदर एलोवेरा ऐड करेंगे। इसके अंदर हम एक इवियोन का कैप्सूल भी ऐड करेंगे। ये आपके हाथों और पाँव को बहुत ही ज़्यादा मुलायम और वाइट कर देगा। तो आपने अपने हाथों पाँव के लिए यूज़ करना है, फेस के ऊपर आपने इसको नहीं लगाना है। इसको हमने यकजान कर लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि मेरे तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। ये देखिए, मैंने जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। बेसन जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो हमारे फेस वॉश का काम करता है, और मलाई जो हमने इसके अंदर क्रीम ऐड की है दूध के ऊपर से वो हमारा मॉइस्चराइजर का काम करती है। आपने इस रेमेडी को एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई करना है मेहंदी लगवाने के 2 घंटे या 1 घंटा पहले। इंशाल्लाह आपके हाथों और पाँव से जितनी भी मैल कुचैल है वो सारी बाहर निकल जाएगी, और आपके हाथ और पाँव जो है वो बहुत ही वाइट ग्लो करेंगे। देखिए, मैं आपको अपने हैंड्स के ऊपर अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने जो है वो अपने हैंड्स के ऊपर इसको अप्लाई करना है। आपने इसको 10 मिनट तक अपने हाथों के ऊपर और पाँव के ऊपर लगा कर रखना, उसके बाद इसको पानी से साफ कर लेना है, और इसके रिजल्ट जो हैं वो आपको फौरी तौर पर मिलेंगे इंशाल्लाह। ये जो फार्मूला बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है शादी
जिनकी जिन बहनों और भाइयों की शादी बहुत नज़दीक है, ये उनके लिए तोहफा है। एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करें और इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। इतना अच्छा फार्मूला, पावरफुल फार्मूला है ये, और आपके हाथों और पाँव को बहुत ही वाइट है और ब्राइट कर देगा। ये देखिए, मैं जो है अभी अपना हाथ जो है वो धोकर आई हूँ, और देखिए रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकला है। ये बिल्कुल आपके सामने है, मैंने इसके ऊपर कोई फिल्टर वगैरह नहीं लगाया। ये देखें, अभी हैंड जो है वो मेरे अभी तक बिल्कुल खुश्क नहीं हुए, और मैंने आपको इसका रिजल्ट चेक करवाया। मैंने जो इसके मैंने इसको 10 मिनट तक लगाए रखा था, उसके बाद मैंने जो है वो अभी अपने हैंड वॉश कर लिए हैं। ये देखें रिजल्ट आपके सामने है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।